मुस्लिम लीग नून ने अपनी खिड़कियों दरवाजे खुले रखे हुए हैं। बहरान से निपटने के लिए अब आप इन हाउस तब्दीली लाएंगे या आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं? बल्कि इसके साथ ही ऐड करें, ये जो पिछले कई हफ्तों से पंजाब के हवाले से बातें चल रही हैं और आपके पीएमएल पंजाब के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि अगर कोई तब्दीली आई तो पीएमएलक्यू हमारी फेवरेट जमात होगी, क्या इस हवाले से कोई चीज़ें ऑन कार्ड्स आ चुकी हैं कि अभी उन चीज़ों का कोई एस्टिमेट लग रहा है? मैं मैं जेल में बैठ के अखबार पढ़ता हूँ, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं ना मुझे ख्वाब आते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा एक सियासी तालिबे इल्म की हैसियत से कि ये मुकाफात अमल है। ये क्या है? मुकाफात अमल है। आज आपने देखा एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया है। जुर्माना इसलिए नहीं किया कि वो गलत काम किया है, गलत बयानी की है। ये मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक हुकूमत को गलत बयानी पर जो है वो 5 लाख जुर्माना किया है। तो ये जो तब्दीली की बात आप कर रहे हैं, इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये सब जमहूरी अपना जो है वो चीज़ें हैं, कोई बईद नहीं है। और मैं इस हालिया जो सूरत हाल है इस पर ज़्यादा तबसा नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी खिड़कियों दरवाजे खुले रखे हुए हैं। शुक्रिया। मैं पहले ख्वाजा साहब बाद में।